परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे रिचर्ड एलन के जीवन के बारे में। इनका जन्म 14 फरवरी 1790 ईस्वी में, मृत्यु 29 मार्च 1831, मूल स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, मसीह सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इनकी सेविकाएं के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। रिचर्ड एलन एक गुलाम थे जिन्होंने अपने मालिक को मसीह तक पहुंचाया और फिर अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के संस्थापक बने। वे गुलामी में पैदा हुए थे और डेलावेयर बागान मालिक के नौकर के रूप में काम करते थे। यद्यपि अन्य मालिकों ने चर्च में भाग लेने वाले अपने दासों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन एलन को उनके मालिक ने स्थानीय मेथोडिस्ट समाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे मसीह में उनका विश्वास गहराता गया, एलन ने अपनी भक्ति के सकारात्मक प्रभावों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिससे उनके स्वामी और अन्य गुलामी के मालिक प्रभावित हुए। एलन की ईमानदारी, काम नैतिकता और अच्छा व्यवहार मसीह में उनके विश्वास का प्रमाण था, जिसे देखकर उनके मालिक ने भी अंततः मसीह को स्वीकार कर लिया। 22 साल की कम उम्र में अपनी स्वतंत्रता खरीदने के बाद एलन ने शुरू में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू किए। साथ ही साथ उन्होंने यात्रा मिशनरी के रूप में परमेश्वर की सेवा शुरू कर दी। उन्होंने दक्षिण कैलोलिना, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर और मैरीलैंड की यात्रा की और रंग के लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने जल्द ही सेंट जॉर्ज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में भी सेविकाएं शुरू कर दी। हालांकि आराधना सेवा के दौरान काले विश्वासियों के प्रति भेदभाव और उन पर चर्च के विशेष प्रतिबंध ने उन्हें अफ्रीकी अमेरिकी चर्च स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में विकसित हुआ। खतरों और कानूनी परेशानियों के बावजूद उस चर्च ने एलन के दूरदर्शी सेविकाई के तहत गुणा किया। आज हम इसमें 6,000 से अधिक चर्च और 2 मिलियन से अधिक सदस्य हैं। एलन एक गुलामी विरोध कार्यकर्ता भी थे और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया कि साथी मनुष्य को गुलाम बनाना पाप है। उनके प्रेरक उपदेशों ने लोगों को एक सक्रिय ईसाई जीवन जीने में मदद की। अपनी पत्नी सारा के समर्थन के साथ एलन ने कई भगोड़े दासों को भी बचाया और धीरे धीरे उन्हें मसीह में शरण लेने में मदद की। प्रिय, जब आपको पाप के बंधन से मुक्ति मिली है तो क्या आप सुसमाचार प्रचार करके दूसरों को उनके बंधन से मुक्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? हे प्रभु, मुझे शक्ति दे ताकि मैं शुभ संदेश साझा करके दूसरों को उनके बंधन से मुक्त होने में मदद कर सकूं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।